समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ मौजूद हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन पर चर्चा की मांग को लेकर आज बुधवार को संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए समान विचारधारा वाले विपक्ष नेताओं को बुलाया, जिसके बाद महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन संसद में चीन पर चर्चा की मांग को लेकर किया गया। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिनों से चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि देश और जनता के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी अतिक्रमण, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार बहस करने से भाग रही है। साथ ही कहा कि क्या मोदी सरकार देश के 135 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। संसद में चर्चा कराइए ताकि पूरा देश एक साथ चुनौती का मिलकर मुकाबला करे। बता दें कि गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता शामिल रहे। वहीं मंगलवार को कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने सदन में चीन के मुद्दे पर कई सवाल किए। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद का भी मसला उठाया। पी चिदम्बरम ने सरकार से चीन के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जानकारी भी मांगी।